हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस। तो 2.2 एक्सरसाइज जो है बच्चों, उसमें क्या है, कौन से टॉपिक के बारे में है, तो कि रिलेशन के बारे में है। तो मैं आपको रिलेशन आपको रिकॉल करवाता हूँ, याद करवाता हूँ। अगर आपको रिलेशन पूरे थियरी डिटेल में समझना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चले जाओ, वहाँ पर मैंने चैप्टर 2 करके प्लेलिस्ट रखा है, वहाँ जाके आप एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो। तो आपको मैंने वहाँ पे रिलेशन बहुत डिटेल में समझाया है। अभी मैं आपको याद करवाता हूँ कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी। तो अभी को पता है कि रिलेशन जो होता है आर, वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, है ना। और आपको ये भी पता है कि ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होते हैं, तो कि ऑर्डर पेयर होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर होते हैं। उस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स में से बिलोंग करता है एंड सेकेंड एलिमेंट वाई में से बिलोंग करता है। और हम ऐसा बोलेंगे कि रिलेशन आर जो है वो डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, याद आया। और मान लो सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3, 4। हमने रिलेशन लिया 1 का 4 के साथ और 2 का 3 के साथ। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करता तो 1 की पेयर 3 एंड 4 दोनों के साथ आती, वैसे 2 की पेयर 3 और 4 दोनों के साथ आती, है ना। तो वहां पे ये जो आर जो अभी हमें ऑर्डर पेयर मिला 1,4 एंड 2,3, वो पक्का सबसेट होता ना ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो सारी पेयर आती है ना। यस, और हमने और क्या देखा था, तो कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर वो होता है डोमेन। क्या होता है? डोमेन। एंड सेकेंड एलिमेंट क्या होता है? रेंज। क्या होता है? रेंज। एंड जो पीछे सेट है उसको बोलते हैं कोडोमेन। इतना आप सभी को याद आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन 1 में बोला है लेट ए इज इक्वल टू, आपको एक सेट दिया हुआ है ए से, जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 14। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। क्या लिखोगे? रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ऐसा लिखा हुआ है। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय, और आपको रिलेशन आप सभी को पता है दो लोगों के बीच में होगा, यानी कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ है। लेकिन कौन सा रिलेशन है, कंडीशन कौन सी है, तो कंडीशन भी गिवन होगी। तो चलिए बच्चों, इस रिलेशन को हम वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम तो कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम? तो रिलेशन ए सेट इधर पहले है, तो पहले ए सेट बना लो पूरा, पीछे भी ए सेट है फिर से ए सेट बना लो, और रिलेशन आर उसके ऊपर डिफाइन है। इतना तो आप सभी को आता है। अब क्या, सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन से है, तो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये बड़ा बनाना पड़ेगा, 13 एंड 14। सिमिलरली सामने भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 एंड 14, है कि नहीं है। अब वो कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है। तो कंडीशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। कैसे मॉडिफाई करता हूँ? तो कि 3x-y=0 है, तो y को उस तरफ भेज देंगे तो 3x = y हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू, x यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से होगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट में से, यहां से y होगा और x यहां से बिलोंग करेगा। तो x a सेट में से बिलोंग करता है, तो x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 लेके आप इसमें रखो, तो 1 × 3 कितना होता है? 3। तो जब हमने x 1 लिया और पुट किया तो हमें y कितना मिला? 3 मिला, यानी कि x 1 का आंसर होता है 3। जब मैंने 2 लिया, 2, 3 जा 6,
जब मैंने एक्स थ्री लिया, थ्री थ्री जा नाइन, और जब मैंने फोर लिया तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, और जब मैंने फाइव लिया तो फिफ्टीन, लेकिन सामने फिफ्टीन है ही नहीं। अगर फिफ्टीन नहीं है तो आप ऑर्डर पेयर बनाओगे नहीं। तो हमें इधर रिलेशन में कौन सी ऑर्डर पेयर मिली, तो कि एक कंडीशन हो। वैसे कितने रिलेशन मिले ए टू ए में, तो एक 1.3 मिला, दूसरा 2.6 मिला, उसके बाद 3.9 मिला, 4.12 मिला, और 5.15। तो पॉसिबल नहीं है ना, 15 तो इसमें है ही नहीं। तो इतने रिलेशन में हमें पेयर मिली, फोर पेयर। और ये आपको पता ही होना चाहिए, सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, यानी कि ए क्रॉस ए तो वन का वन के साथ, टू के साथ, थ्री के साथ, सभी के साथ पेयर बनता, बाद में टू की बार। तो वो पूरे सेट में ये चार तो सेट आने ही वाले, चार एलिमेंट तो आने ही वाले, स्वाभाविक है। ओके, अब हम लिखना है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बच्चों, तो रेंज, कोडोमेन एंड डोमेन कैसे निकालते हैं, क्योंकि डोमेन जो है वो जिस नंबर में से एरो बाहर निकलता है उस नंबर का सेट, यानी कि वन में से एरो निकला थ्री पे गया, यानी कि 1.3, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उनमें से एरो बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज यानी कि जिसके ऊपर एरो आते हैं पिछले वाले सेट में वो, तो 1 से निकल के 3 पे गया, यानी कि 3, 6, 9, 12। अब बात करते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन तो कुछ नहीं होता, जो पीछे सेट है वो खुद कोडोमेन होता है। वो क्या होता है? कोडोमेन। तो कोडोमेन तो बहुत ही आसान है निकालना। तो ये हो चुका था क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिमिलरली मैं एक बात बोलूं, आप मैथ सीख रहे हो ना, एक क्वेश्चन समझने के बाद वीडियो पॉज कर लो बच्चों, और एक क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। मेरा तो यही मानना है कि आप जब ट्राई करोगे ना तभी आपको सही से समझ में आएगा। तो आप ये वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो चलिए मैं ये सॉल्यूशन करवाता हूँ। सॉल्यूशन में क्या है, तो कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन। जब बच्चों ऐसा लिखे ना कि डिफाइन द रिलेशन आर ऑन सेट एन, एन यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर याद तो होंगे आप सभी को, क्या है, तो कि नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3 up to so on, है ना। तो यहां पे वो रिलेशन आर जो है वो डिफाइन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पर, और वो एक्स है वो भी नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है, एंड वाई भी बिलोंग करता है, यानी कि एक्स और वाई दोनों, एक्स तो पहले वाले सेट में से होता है, वाई दूसरे वाले सेट में से होता है, तो दोनों कहाँ पे बिलोंग करते हैं? एन में से। तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है। रिलेशन एक्स का वाई के साथ है, एक्स भी एन है, वाई भी एन है ना। तो ये हमने दिखा दिया कि रिलेशन का मैपिंग क्या है। अब क्या, तो कि बोला है कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन तो है बच्चों, लेकिन वो रिलेशन कैसा है, तो कि एक्स में आप फाई ऐड करते हो तब वो वाई के इक्वल होता है। एक्स में आप जब फाई ऐड करते हो तब वो किसके इक्वल होता है बच्चों? वाई के इक्वल होता है। देख लो, अब सोल्व करते हैं। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, ये तो इनफाइनाइट सेट है, आप काउंट नहीं कर सकते नेचुरल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3 चलता ही जाएगा। लिखते हैं पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to so on सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 up to so on। अब रिलेशन ऐसा बोलता है कि x की वैल्यू अगर आपने पहले वाले सेट में से उठाया 1 और इसमें रखा, तो y होता है 1 plus 5, 6।
यानी कि इस कंडीशन के मुजब हम बोल सकते हैं कि 1 का रिलेशन 6 के साथ बनेगा। दूसरा, और हाँ, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, बच्चों ये ध्यान दो, लेस देन 4, 4 से छोटे ही नंबर होने चाहिए, 1 2 3 ही नंबर है जो नेचुरल नंबर लेस देन 4 है। तो 1 का 6 के साथ हुआ, अब 2 की बारी, 2 में 5 ऐड करोगे तो होगा 7, 3 में 5 ऐड करोगे तो होगा 8। अब 4 का रिलेशन नहीं निकाल सकते आप, क्यों नहीं निकाल सकते? तो कि उन लोगों ने बोल दिया है कि लेस देन 4, लेस देन और इक्वल टू भी 4 बोलते ना तो भी 4 इंक्लूड हो जाता, यानी कि वो इंक्लूड नहीं होने वाला है। 2 का आया 7 के साथ और 3 का आया 8 के साथ। अब क्या, डिफिक द रिलेशन यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म तो लिख दिया हमने, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। बच्चों डोमेन तो बहुत ही आसान है, फर्स्ट एलिमेंट लिख दो ऑर्डर पेयर के, 1 2 3। अगर फिकर से समझना है तो जिन नंबर में से एरो बाहर निकलता है वो होता है डोमेन, यानी कि यहाँ पे डोमेन होगा, इसमें से जिसमें से एरो निकलेगा वो सामने जिस पे जाएगा वो होगा रेंज, और पूरा सेट होता है कोडोमेन, वो क्या होता है कोडोमेन, तो रेंज उसका सबसेट ही होगा, कोडोमेन तो पूरा सेट है, एरो तो किसी किसी नंबर पर ही जाएगा ना, यानी कि रेंज में जो एलिमेंट है वो कोडोमेन में तो कंपलसरी है। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज। रेंज यानी कि जिसके ऊपर एरोस आ रहे हैं, या तो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेज 6 7 8, उसी के ऊपर एरो आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन हमने देखा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें रखूंगा तो वीडियो और लंबा बन जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्यों, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।